प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा पहुंच रहे हैं और आगरा लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में ये महिला मोर्चा है जो प्रधानमंत्री के स्वागत में है, नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार मोदी जी के स्वागत के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनको देख पा रहे हैं केसरिया साड़ी, केसरिया पगड़ी में तैयार होकर आए हैं। महिला मोर्चा है, भाजपा महिला मोर्चा, जो मोदी जी के स्वागत के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं मंच पर पूरी तैयारी चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और मंच सज चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और ये महिला मोर्चा से हम बात करते हैं किस तरह से रैली के आयोजन पहुंचे हैं, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, तो आपसे बात करते हैं, नाम बता दीजिए। मैं भावना तरंग शर्मा, शोध प्रमुख आगरा। भावना जी, आप तैयार हो गए, आई आज मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह स्वागत कर रहे हैं? मैं फुल एनर्जी से मोदी जी के स्वागत में तैयार हूँ और मेरे साथ सारी महिलाएं तैयार हैं। स्वागत है मोदी जी का। महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष हैं उपमा गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से हम नारेबाजी कर रहे हैं, मोदी जी पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आगरा की जनता को कहना चाहूंगी, जल्दी आइए कोठी मीना बाजार में। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हमारे कोठी मीना बाजार में होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आकर के उनके उद्बोधन को प्राप्त करें। साथ ही एक बहुत ही खुशी की लहर है हम कार्यकर्ता बहनों के बीच में और हम ये गारंटी लेते हैं कि इस बार अपने मोदी जी को 400 के पार लेकर जाएंगे। और ये महिलाएं ही हैं जो अपने वोट को, एक एक वोट को डलवाकर, अपने परिवार को वोट को डलवाकर, अपने पड़ोस के वोट को डलवाकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी बनाएंगे। साथ ही ये संकल्प लेते हैं कि इस बार जो 400 कमल के फूल की माला हमारे योग मोदी जी के गले में जो पहनाई जाएगी, उसमें आगरा के कमल के फूल की माला सर्वाधिक वोटों से होगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। देख पा रहे हैं जिस तरह से आपने भगवा पगड़ी पहनी हुई है, साड़ी बन गई, एक ही रंग में है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये भगवा पगड़ी इस बात का संदेश है कि हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। और जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने सर्व समाज को, हर व्यक्ति को, अंतिम पायदान तक की हर बहन को जिस प्रकार से हर योजना का लाभ दिया है, ना कोई जातिगत भिन्नता की है, ना किसी भी प्रकार का उन्होंने भेद किया है, इसी प्रकार आज हमने भी एक अपने भगवा कलर की ड्रेस को पहनकर और पगड़ी को लगाकर उनकी हर योजना का सम्मान करते हुए ये दर्शाया है कि हम किसी भी प्रकार जाति में अलग नहीं है, हम किसी भी प्रकार से अपने विचारों से अलग नहीं है, सिर्फ मोदी जी के लिए जीते हैं, अपना वोट मोदी जी को देंगे और हम सभी बहनें खुलकर के समर्थन अपना मोदी जी को देते हैं। आज ये एक ड्रेस भगवा कलर इसी बात का संदेश दे रही है कि हम सब बहनें चाहे किसी भी जाति, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन वोट अपना मोदी जी को देंगे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये महिला मोर्चा, आगरा महिला मोर्चा है, सब दिखाए हम कैमरे कि सभी एक जैसी पगड़ी, एक जैसी वेशभूषा में तैयार होकर आए हैं, मोदी जी की रैली में आए हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगरा का महिला मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।